फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं क्या है एपिलेप्सी या जिसे हिंदी में कहते हैं मिर्गी या मिर्गी का दौरा, और क्या है इसके सामान्य कारण और क्या है इसके सामान्य लक्षण, और होम्योपैथी में क्या है इसके लिए बेस्ट मेडिसिन। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा एक प्रकार का डिसऑर्डर है जहां पर हमारे दिमाग के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वह असामान्य रूप से काम करने लगती हैं और उसके फलस्वरूप हमें हमारी बॉडी में सीजर होने लगता है। सीजर अर्थात अचानक से होने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो शरीर का कांपना हो या हाथ पैर का अचानक से हिलना हो या पलकों का बार बार झपकना हो या आदमी अनकॉन्शियसली मतलब अनजाने में उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा हो, इसी को हम सीज़र बोलते हैं। और मिर्गी के क्या क्या लक्षण होते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मित्रों यह सामान्यतः बच्चों में ज़्यादा देखा गया है बड़ों की तुलना में, और वहीं पर औरतों में कम देखा गया है पुरुषों की तुलना में, अर्थात पुरुष इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मिर्गी के क्या क्या सामान्य लक्षण हैं, मिर्गी के समय आप क्या क्या लक्षण देख सकते हैं। सबसे पहला और मेन सिम्टम मित्रों, मरीज़ को सीजर होगा, अर्थात हाथ पैर यहाँ तक कि पूरी शरीर अनजाने से हिलने लगेगी और मरीज़ का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा, उसके सुनने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, इन सारी चीज़ों में असामान्यता हो जाएगी, मतलब सामान्य नहीं रहेंगी ये सारी चीज़ें। मरीज़ का सर घूमेगा, हाथ पैर में झुनझुनी सी रहेगी, और कुछ छोटे छोटे सिम्टम भी कभी कभी देखे जाते हैं, जैसे मरीज़ की आँखें खुली की खुली ही रह जाएंगी कोई काम करते करते, या हो सकता है वो एक ही काम बार बार रिपीट करे, एक ही सेंटेंस को बार बार बोले या एक ही काम को बार बार रिपीट करे। आप उसको आवाज़ देंगे और वो आपकी आवाज़ सुन के भी ऐसा लगेगा कि वो सुन नहीं रहा है, और ऐसा लुक देगा आपको, ऐसे देखेगा कि वो आपको पहचानता ही नहीं है। मसल्स मतलब पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं अचानक से जकड़ सी जाएंगी और फिर अचानक से हिलना चालू हो जाएगा। पेशेंट कभी कभी मिर्गी के दौरे के समय होश में रहता है और कभी कभी मिर्गी का दौरा जैसे ही ख़त्म होगा वह बेहोश सा हो जाएगा या कुछ सेकंड के लिए भूल सा जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। चलिए जान लेते हैं इसके क्या है सबसे सामान्य कारण। दोस्तों सबसे मेन जो कारण है वो है अगर कोई किसी पुरानी बीमारी से सफ़र कर रहा है कई सालों से, तो एपिलेप्सी होने के कई चांसेस होते हैं, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय भी। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में कोई चोट लग गई है या पैदाइशी आपका ब्रेन प्रॉपर रूप से सही रूप से डेवलप नहीं हुआ है, यह सारे इसके मेन कॉज होते हैं। कुछ छोटे छोटे अन्य कॉज भी हैं, जैसे कभी कभी किसी को बहुत तेज़ अगर फीवर हो जाए तो उस समय भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। किसी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, सर में अचानक से चोट लग जाए, या कभी कभी कुछ लोग दारू जब पीना बंद कर देते हैं तो विड्रावल सिम्टम के रूप में भी मिर्गी के दौरे ऐसे मरीजों को आने के चांसेस होते हैं, इत्यादि इसके कई सारे और भी रीज़न हैं मित्रों। तो चलिए अब जान लेते हैं होम्योपैथी में क्या है इसके लिए बेस्ट मेडिसिन। मित्रों पहली मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो आपको मिर्गी के दौरे के समय देनी है। अगर मरीज़ को मिर्गी का दौरा 5-10 मिनट तक रहता है तो अगर आप यह मेडिसिन उसको सुंघा देंगे तो उसका दौरा 1-2 मिनट में ही सही हो जाएगा। एमाइल नाइट्रोसम मदर टिंचर की 20-25 बूंद आपको रुई में कॉटन में लेनी है और मरीज़ के नाक के पास लेके चले जाना है। मरीज़ अपने आप सांस लेगा और वह अंदर उसके चली जाएगी, तो जो दौरा होगा एपिलेप्सी का मिर्गी का वह अपने आप कुछ ही क्षणों में सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है मित्रों आर्टिमीशिया वल्गेरिस। यह ऐसे मरीज़ों को देनी है जिनमें बार बार मिर्गी के दौरे, मतलब हफ्ते में 4-5 बार या महीने में कई बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, और स्पेशली बच्चों में। इसकी 10 ड्रॉप आपको हाफ कप पानी में मिलाकर पूरा बच्चे को पिला देनी है सुबह और रात में, दोनों टाइम खाली पेट लगभग 1 महीने तक पिलाए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर यही समस्या मतलब फ्रिक्वेंट अटैक्स ऑफ एपिलेप्सी, बार बार एपिलेप्सी बड़ों में आ रही है, तो सोलोनम कोरोलाइनिस मदर टिंचर की 20 ड्रॉप हाफ कप पानी में मिलाकर सुबह और रात में, इस तरह से यह दवा सुबह और रात में आप दो टाइम 1 महीने तक लें, आपको कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं तो नेक्स्ट मेडिसिन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ स्पेसिफिक लक्षण में बता रहा हूँ, आप वो लक्षण मरीज़ से मिलाकर मरीज़ को दवाएं दें, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे मित्रों। सबसे पहली मेडिसिन है मित्रों सीना 200 पावर में 4 ड्रॉप सीधे जबान पर 3 दिन ही
स्पेशली बच्चों में जिनके पेट में कीड़े रहते हैं, और ज़बान आप अगर उनकी देखेंगे तो एकदम साफ़ ज़बान रहेगी। तो ऐसे छोटे बच्चे मरीज़ों में अगर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है जिनके पेट में कीड़े हैं, तो सीना 200 पावर में सिर्फ 3 दिन ही दीजिए, आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसी तरह एक और मेडिसिन है मित्रों, इंडिगो 30 पावर में। यहाँ भी मरीज़ को मिर्गी के दौरे आ रहे होंगे और पेट में कीड़े होंगे, पर साथ साथ में मरीज़ बोलेगा कि उसका सर जो है थोड़ा थोड़ा घूमता है। तो अगर आपको सर घूमने के साथ पेट में कीड़े मिलते हैं, तो इंडिगो 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 दिन खिलाइए मित्रों मरीज़ को, और कुछ दिन का इंतज़ार करिए, आपको मिर्गी के दौरे में बहुत ही कमी मिल जाएगी मित्रों। नेक्स्ट मेडिसिन है मित्रों लैकेसिस 30 पावर में। इस प्रकार के जो मरीज़ होंगे उनमें मिर्गी का दौरा नींद में सोते समय आ जाएगा, और जब वो नींद से उठ रहे होंगे तब आएगा। तो लैकेसिस 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 दिन ही देनी है मित्रों, आपको कुछ दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन इग्निशिया 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 दिन 4 ड्रॉप सीधे ज़बान पर लेनी है। इस प्रकार के जो मरीज़ होंगे मित्रों उनमें दुख के चलते, लाइक किसी का हस्बैंड मर गया या किसी का भाई मर गया, तो उनकी पत्नी या उनके भाई को जो दुख होता है उसकी वजह से अगर बार बार किसी को एपिलेप्सी के दौरे आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो इग्निशिया 30 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मित्रों आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन नेटम सल्फ 1 mg पावर में। इसे आपको सप्ताह में एक बार ही लेना है और 3 से 4 सप्ताह लेना है। इस प्रकार के जो मरीज़ होंगे मित्रों उनके सर पे चोट लगने के बाद, उनको हिस्ट्री होगी कि उनके सर में कभी चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें मिर्गी के दौरे चालू हुए हैं, तो नेट्रमसल 1 mg पावर में दिन में एक बार ही आज अगर आप लेनी है तो फिर 7 दिन बाद आप फिर से नेक्स्ट डोज लेंगे। इस तरह से 4 से 5 हफ्ते आप इस दवा को लेंगे और कुछ हफ्तों में ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे मित्रों। नेक्स्ट मेडिसिन है मित्रों वर्बेना 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 4 ड्रॉप सीधे ज़बान पर 3 दिन लेनी है। इस प्रकार के मरीज़ मिर्गी के दौरे के साथ साथ उन्हें कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल मतलब लैटरिंग बहुत सख्त हो रही है, इस प्रकार की समस्या होगी। नेक्स्ट मेडिसिन मित्रों ओइनोन्था क्रोकाटा मदर टिंचर। इस प्रकार के जो मरीज़ होंगे मित्रों इनमें प्रेगनेंसी के समय, जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उस समय या मेंसेस के समय अगर आपको एपिलेप्सी के दौरे आ रहे हैं, तो ओइनोन्था क्रोकाटा मदर टिंचर के 20 ड्रॉप सुबह और 20 ड्रॉप रात में सोते समय खाली पेट लें। आपको कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन तक यह दवा आपको नहीं लेनी है, सिर्फ 7 दिन ही लेनी है ओइनोन्था क्रोकाटा मदर टिंचर, कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे मित्रों। एक और मेडिसिन मित्रों कैल्केरिया आर्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लगभग 3 दिन ही आपको 4 ड्रॉप सीधे ज़बान पर लेनी है। यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर का मित्रों मिर्गी का दौरा होता है, मरीज़ को जो होगी दिल की धड़कने तेज सुनाई देंगी और मरीज़ को लगेगा कि उसकी मिर्गी का दौरा जो है वो सीने से ही मतलब हार्ट के आसपास से ही शुरू हो रहा है, और मरीज़ को अपने दिल की जो धड़कने हैं धक धक वो महसूस होंगी। तो लास्ट मेडिसिन है मित्रों हायोसाइमस 34 में सुबह दोपहर शाम 4 ड्रॉप सीधे ज़बान पर ले लेनी। इस प्रकार के जो मरीज़ होंगे मित्रों उनमें मिर्गी के दौरे के समय मुँह से बहुत ज़्यादा लार टपकेगी, सलाइवा टपकेगी, तो ऐसे मरीज़ में हायोसाइमस 30 सुबह दोपहर शाम 3 दिन दें और कुछ दिन वेट करें मित्रों, आपको कुछ ही दिनों बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।